हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आज आप लोगों को फिर से कुछ जानकारी देने वाला हूं और एक वीडियो में फिर आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इससे लाइट कैसे जलाते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास दो गाड़ी का बाइक में जो लगा हुआ था है, मैंने वो लिया है और इसमें मैंने कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ये कैसे काम करेगा, बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ऐसे बना के और लाइट को चालू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है जो कि बहुत आसानी से जल जाता है। आप अपने घरों पे ही इसको बना के चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिए कि इसका कनेक्शन वो लोग कैसे करते हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूँगा। और मैंने ये वायर जो है, जो फैन का वायर होता है जो अंदर में कॉइल भरी होती है, वही जो कॉइल है उसी का मैंने रिंग बनाया है। तो इसको यहाँ से और यहाँ दोनों एक साथ इसको ज्वाइन कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, हम लेते हैं एक बल्ब और होल्डर। इस बल्ब और होल्डर का एक पॉइंट हम इस साइड में ऐसे बांध देते हैं। इसको हमको एक साइड में ऐसे कुछ इस तरह से इसको लगा के अच्छे से टाइट कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से जलेगा। मैं अभी आपको पूरी जानकारी इसमें देता हूँ, एक कैसे काम करेगा और एक कैसे जलता है, सारी चीज़ें आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं तो आज मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताऊँगा कि काम करेगा भी कि नहीं करेगा, और अगर ये काम करता है तो किस प्रकार से करता है। हम इसको यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं ताकि ये हमारा होल्डर कहीं मतलब इधर उधर हिल ना जाए, इसके लिए मैंने इसको रखा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही वंडरफुल जानकारी मैं देने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इसको पूरी चीज़ें इसमें आपको बताऊँगा मैं। तो जैसा कि मैंने एक तार इसमें बांध दिया है, अभी एक तार हमको इसमें लगाना है। तो हम इसमें बल्ब लगाएँगे और एक तार इसमें छुआ के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए मैं पहले इसको, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा पूरा मैंने इसको लगा लिया है। अभी इसको हम चेक करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी बल्ब ग्लो कर रही है और ये बहुत अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो देखा होगा जो कि आप बहुत बढ़िया से ग्लो कराते हैं सब लोग। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये उजाला कर रहा है। तो इसका मैटर क्या है, ये किस तरह से बनाया जाता है, इसकी मैं आप लोगों को अब सच्चाई बता देता हूँ कि इसमें क्यों जल रहा है लाइट, ऐसे इस तरीके से लाइट हमारी क्यों ग्लो कर रही है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ अब। तो चलिए मैं इसको पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि इसकी जानकारी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूँगा मैं। फ्रेंड्स, जो ये जल रहा है इसमें कोई राज नहीं है, इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लगा हुआ है तो ये हमारा काम कर रहा है। अभी मैं इसको आपको पूरी दिखाने वाला हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है, ये हमारी बल्ब क्यों ग्लो कर रही है। जैसा कि ये जो पीछे लगा हुआ है इसका कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई मायने नहीं रखता इसका, आप इसको लगाएं या ना लगाएं, ये सिर्फ आपको दिखावा करने के लिए इसको लगाया जाता है, बाकी इसमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, वो वीडियो आप देखने का, इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेप लगा रखा है, क्योंकि इस टेप को लगाने का मतलब है आप लोगों को पता ना चले कि मैंने इसका कनेक्शन कहाँ से कर रखा है। इसके चलिए मैं इसको हटा के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बॉक्स हटाया था। आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक दो पतले पतले वायर लगाया हूँ ताकि जब ये हमारी लाइन यहाँ पे आती है, मैंने अभी उसको हटा दिया। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको भी निकाल दिया है।
आप देख सकते हैं अभी भी हमारी बल्ब ग्लो कर रही। तो हमारे मतलब इसको लगाने का क्या मतलब हुआ कि हम इसको लगाएं या ना लगाएं, इस वायर को मैंने बिजली से अटैच किया है तभी ये हमारी ग्लो कर रही, वरना इसमें कोई चीज़ ग्लो नहीं कर सकती है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर इतना आसानी से हर चीज़ में लाइट बनने लगे तो सब लोग अपने घरों पे ही लाइट बनाने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है आप लोगों को लाइट बिल देने की या कोई और ज़रूरत करने की, हर चीज़ को आप अपने घरों पे ही बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग सच्चाई जान लीजिए, जो भी आप फालतू वीडियो देखते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें कोई राज, सब लोग ट्रिक कोई ना कोई ट्रिक का यूज करते हैं। अगर इसको नहीं भी लगाते हैं, लाइट नहीं लगाते हैं, तो चार्जिंग लाइट होती है। और इसी तरह मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को सच्चाई बता सके कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसको जलाते कैसे हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाला था कि इसको कुछ इस तरह से इसे जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। बहुत जल्द एक वीडियो और लाने वाला हूँ, उसको भी मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।